छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार को नक्सलियों की ओर से किए गए विस्फोट में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। बस्तर में दो दिनों में इस तरह की ये दूसरी घटना है। जिले के धुर नक्सल प्रभावित परतापुर थाना क्षेत्र के महला के जंगलों में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। पुलिस के मुताबिक महला बीएसएफ कैंप से जवानों की टुकड़ी नक्सल गश्त पर रवाना हुई थी। इसी दौरान नक्सलियों ने जंगलों के बीच जवानों को निशाना बनाकर आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें बीएसएफ का जवान अखिलेश राय धमाके की चपेट में आ गया। जवान को गंभीर हालत में पखांजुर सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही जवान ने दम तोड़ दिया। डीएसपी नक्सल अविनाश ठाकुर ने कहा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। थाना परतापुर के अंतर्गत बीएसएफ और डीआरजी का फोर्स जो है आरोपी ड्यूटी के लिए निकला हुआ था और वहाँ पे करीब मंदिर टेकरी से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में नक्सलियों के द्वारा पहले से आईडी प्लांट किया गया था, जिसमें बीएसएफ का जो एक प्रधान आरक्षक है अभिषेक राय वो आईडी की चपेट में आ गया और जिसमें उसको प्राथमिक उपचार के लिए पखांजुर लाया गया था, जहाँ पे वो शहीद हो गया। बता दें कि अखिलेश राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। एक दिन पहले ही नारायणपुर जिले में नक्सलियों के आईडी विस्फोट से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान शहीद हो गए थे और एक अन्य घायल हुए थे, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। कांकेर से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।